ये सच वाली लग रही है ना? हाँ ये वाली है ना। हाँ वो दरवाजा छोटा वाला। हाँ जब बाजार में करो पैरों पर ना रहा है। ये है हमारा वाद्य यंत्र, इससे हम बजाते हैं। चिड़िया है ये, मैना, मैना है वो। फिर क्या है? गोरैया। ना गोरैया ना हो, ऊपर गोरैया क्या थी ना रहा। बाबू चप्पल ले आ, मम्मी चप्पल, मम्मी चप्पल, हाँ मैं पकड़ लूँ उसको। ये आई है हमारे राघव के लिए न्यू ड्रेसेस, तो मम्मी खोल के दिखाओ आप। मम्मी ऐसे गर्मा इतना थोक से बढ़िया है ना, गर्मी में सर्दी में सब में काम आएंगे। कैसे खोल पाएंगे? भाई अपना जचेगा एकदम, एक नंबर। खोल के दिखाओ। सही कॉटन है ना ये पजामे? रख देंगे पीछे का, एक ही था ये अच्छा था। देखो सुंदर लग रहा है ना ये डिजाइन, कॉटन है, प्योर है ना, प्लास्टिक है इसका पूरा। दिखा ना। सही है, ये भी बड़ा ही है क्या? चलेगा जब है ना, तो ये नहीं पहनाएंगे अभी है ना, अभी नहीं पहनाएंगे इनको। ये ये सही है, बढ़िया। अच्छा सही है ना, आगे खुला भी रहेगा वो वाइट। ये अच्छा लग रहा है बहुत ना। ये तो दिवाली पहना देंगे, ये वाला, ये वाला। गोवर्धन की तो बहन सो रही है, देखी नहीं, नहीं तो नाराज होती। लगे मम्मी अच्छे लगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज तो शाम को गए नहीं हम लोग डॉक्टर के, क्योंकि आज फ़ोन आ गया था दोपहर में, मैं सो रही थी कि शाम को जाना है हॉस्पिटल। तो दिन में सो रही थी तो फिर उनका फ़ोन आया महात्मा गांधी से, तो वहाँ से फिर फ़ोन आ गया, तो फ़ोन उठाया, अटेंड किया, तो बोले कि आज मैम आप लोग आइएगा नहीं क्योंकि आज आपका अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा क्यों क्यों नहीं आना? तो उन्होंने रीज़न बताया कि उनकी मशीन में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, तो उसे वो ठीक करवाएंगे। तो फिर मैंने बोला कब आना है? तो फिर बोला कल नेक्स्ट डे आइएगा। तो मैंने कहा कितने बजे आना है? तो बोले कि वही 7:30 पर ही आना है। तो ठीक है, तो आज का दिन तो हमारा सेफ हो गया, गए नहीं हम लोग।
यदि हम चल जाते, और क्योंकि ग्रीवा के डैडी भी कहीं गए हुए थे तो उनको भी, वो भी उसी उससे गए थे कि 5-6 बजे तक घर पे आ जाऊँगा। तो फिर फ़ोन काट करके मैंने फटाफट इनको फ़ोन किया कि आप लोग, आप जल्दी मत आइएगा, हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल के का फ़ोन आया था कि आज कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट जो भी है। तो फिर बोले ठीक है, तो फिर ये भी आराम से आए, 8 बजे करीब आए। ये भी खाना वगैरह खा लिया है, बना लिया था खाना। खाना बनाई थी चौले की सब्ज़ी, आलू चौले की सब्ज़ी, रोटी, और सुबह की थोड़ी चटनी वगैरह बनाई थी तो वो थी। और ग्रीवा के लिए आज गरबा था उसके स्कूल में, तो गरबा प्रोग्राम भी था तो कुछ मीठा भेजना था। तो मैंने कहा मीठा तो एक दिन पहले ही बताया था, शाम को मैसेज आया था। तो ग्रीवा के डैडी घर आ गए थे, बोले अब तो क्या लेके आऊँ। लेट आया था मैसेज 8 बजे करीब कि मीठा लेके आना है, कुछ मिठाई वगैरह। तो मैंने कहा चलो कोई ना, हलवा बना दूँगी। तो थोड़ा सा हलवा बना के भेज दिया था, तो वही थोड़ा हलवा बचा हुआ था तो हम लोगों ने खा लिया उसे। और ग्रीवा के डैडी बहुत ही छोटे बाबू के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेके आए हैं। आप लोग व्लॉग में देखिएगा आगे कि कितने सुंदर है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी उसकी ड्रेस। गए थे ये कल मार्केट, तो फिर उनको दिख गई थी तो बोले कि छोटे बाबू के लिए लेके आया हूँ। तो बिल्कुल सही नाप से लेके आए हैं और बहुत ही सुंदर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ड्रेस। तो करती हूँ इसी के साथ व्लॉग का एंड। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों के सपोर्ट से और आपके एक लाइक या कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टाइप की वीडियो बनाऊँगी। और कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि रोज़ रोज़ बोरिंग वीडियो ना बनाऊँ आपको, रोज़ एक ही एक क्या दिखाऊँ। तो कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि आप जो कमेंट करेंगे या फिर जो मेरी लाइफ में चल रहा है अभी इस टाइम, मैं वो आपको क्या शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर ज़रूर मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।